आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बट जॉइंट आखिर कहते कहते हैं। बट जॉइंट का मतलब ये होता है कि जब कोई दो प्लेटें आपस में टक्कर खा के रखी गई होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, ये दोनों आपस में टक्कर खा के रखी गई है और इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए एक ऊपर से दूसरी प्लेट का इस्तेमाल किया गया है, उसको बट जॉइंट कहते हैं। तो चलिए पहले हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके एग्जाम में खाली टी की वैल्यू दी होगी। टी का मतलब होता है प्लेट की थिकनेस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्लेट की थिकनेस को हम टी से डिनोट करते हैं। टी को हम 9 mm मान लेते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इस वाली प्लेट की थिकनेस अलग है और इस वाली प्लेट की थिकनेस अलग है। इस वाली प्लेट की थिकनेस आपको एग्ज़ाम में दी होगी और इस वाली प्लेट की थिकनेस आपको पता होनी चाहिए। ये अलग प्लेट है इसलिए हम इसको T1 से डिनोट करेंगे। तो T1 की वैल्यू कितनी होती है? तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, जब दो प्लेटों को जोड़ने के लिए खाली एक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है उस समय हम टी की वैल्यू लेते हैं 1.25 T। 1.25 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.25 mm। तो चलिए अब डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू होती है 6√T। 6 में अंडर रूट में हम 9 लिखेंगे। अंडर रूट 9 बराबर 3 होता है और 6 से 18, तो डी की वैल्यू 18 आ जाएगी। अब हमको मार्जिन लेना है। मार्जिन मतलब ये जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ से लेके इसके सेंटर तक की दूरी, मार्जिन एम से होता है। इसकी वैल्यू 1.5D होती है। 1.5 को अगर हम 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 mm। अब हम पिच लेंगे। पिच का मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक के बीच की दूरी। इसको हम 3D लेते हैं। 3D बराबर 3 को अगर हम डी 18 है 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 mm। तो चलिए अब हम बैक पिच की वैल्यू निकालते हैं। पिच का मतलब होता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी, लेकिन वही अगर हम दाएं तरफ या बाएं तरफ लेते हैं, जैसे कि इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी, तो इसको बैक पिच कहते हैं। इसको हम PD से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू भी 3D ही होती है। इसको हम 3 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू 54 mm आ जाएगी। तो चलिए अब हम रिवेट की हेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि इसमें नॉर्मली स्नैप हेड रिवेट ही यूज़ किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6D। 1.6 को अगर हम डी है 18 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.8 mm, जिसको हम 28 मान के चलेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लाइन खींचेंगे, बीच वाली लाइन। ये लाइन खींच ली हमने। अब इसकी लंबाई क्या है? तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई टी है। टी की वैल्यू निकली है 9 mm। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे 9 mm, यहाँ से भी नीचे आएंगे हम 9 mm। फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे। हमारी ये वाली प्लेट बन चुकी है। तो दोस्तों आपको ये दो अलग अलग प्लेटें दिख रही होगी, तो चलिए पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसकी टोटल लंबाई आपको 130 mm दिख रही है, तो यहाँ पे हम 65 mm की दूरी पे एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच दी हमने, हमारा नीचे वाला पोर्शन तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, इसकी दूरी यहाँ से 1.5 दिख रही है आपको। ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी 1.5D, जिसकी वैल्यू निकली है ये रही 27 mm। तो हम यहाँ से 27 mm इधर जाएंगे, 27 mm इधर आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। ऐसे ही इधर भी 27 mm ही जाएंगे हम, इधर एक पॉइंट लगा लिया। तो यहाँ हम पहले दोनों तरफ से सेंटर लाइन खींच लेते हैं।
ऐसे हम दूसरी सेंटर लाइन भी खींच लेंगे। ये दोनों सेंटर लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, सेंटर से यहाँ तक की दूरी 1.5D है, जिसकी वैल्यू निकली है 27 mm। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से 27 mm पे यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ऐसे ही इधर 27 mm पे यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। डी को हम इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से 10 डिग्री का एंगल लेंगे। 10 डिग्री का कैसे, तो आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर की तरफ है, इस तरफ, मतलब 90 के इस तरफ लेंगे, 90 के इस तरफ 10 डिग्री यहाँ आ रहा है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही इसको यहाँ रखेंगे, ये वाला एंगल आपको इस तरफ दिख रहा है, तो हम यहाँ से 90 के इस तरफ, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये वाले जो लाइन आपको दिख रही है टेपर, ये 10 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, लेकिन इसकी हाइट T1 है, T1 की वैल्यू निकली है 11.25 mm। मतलब हमको इसको इससे तो मिलाना है, लेकिन ऊपर खाली 11 mm ही जाना है। ये आ गया हम इधर 11 mm। ऐसे ही हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से तो मिलाएंगे, लेकिन ऊपर 11 mm ही जाएंगे। 11 mm यहाँ आ गए। फाइनली हम ये लाइन भी जोड़ देंगे, ये दोनों प्लेटें बना ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, डिविट का डायमीटर आपको डी दिख रहा है और डी की वैल्यू निकली है यहाँ पे 18 mm। तो 18 mm कैसे लेंगे, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, ये सेंटर लाइन जहाँ दिखती है आपको, वहाँ पे हमको आधा आधा लेना पड़ता है। 18 mm मतलब हम यहाँ से 9 mm इधर लेंगे और 9 mm इधर लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं, ये लाइन खींच ली हमने। अब यहाँ से 9 mm दूसरी लाइन भी खींच ली हमने, ऐसे ही इधर वाला भी बना लेंगे हम। यहाँ से 9 mm इधर आ रहा है और यहाँ से 9 mm इधर आ रहा है। ये दोनों डायमीटर बना लिए हमने रिवेट के। अब इसका हमको हेड बनाना है। तो हेड कैसे बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था रिवेट का हेड का साइज होता है वो 1.60 होता है। 1.60 की वैल्यू 28.8 mm आ रही है, मतलब हमको प्रकार खोलना होगा 14 mm का। ये प्रकार खोल लेंगे 14 mm का। ये पहला हेड बन गया हमारा। दूसरा हेड भी बन गया हमारा। ये तीसरा हेड भी बन गया हमारा। फाइनली ये चौथा हेड भी बन गया हमारा। तो दोस्तों चलिए अब हम इस पर हैचिंग कर लेते हैं। हैचिंग करते समय इस बात का ध्यान देना कि तीनों अलग अलग प्लेटें हैं, इसमें हैचिंग अगर इस तरफ है तो इस प्लेट में इस तरफ होनी चाहिए, तीनों प्लेट की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए ये काम हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसका फ्रंट व्यू बना लिया है। चलिए अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं। इसका टॉप व्यू ये है, तो चलिए इसका टॉप व्यू पहले समझ लेते हैं। इसके सेंटर से लास्ट तक की दूरी को मार्जिन कहा जाता है,
इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी को ही मार्जिन कहा जाता है। इन दोनों की दूरी होती है 1.5D। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी को पिच कहा जाता है जिसकी वैल्यू होती है 3D। इसके सेंटर से भी इसके सेंटर तक की दूरी को कहा जाता है पिच जिसकी होती है 3D। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेंगे जिसकी दूरी 1.5D होती है। ऊपर से पहले हम कुछ जगह छोड़ लेते हैं। चलो मान लिया यहाँ तक जगह छोड़ देते हैं। अब इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 1.5D है जिसकी वैल्यू निकली है 27 mm। 27 mm यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेंटर लाइन खींच लेते हैं ऐसा। इधर से भी खींच लेंगे। ये हमारे पहले सेंटर हो गए। एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक की दूरी होती है 3D जिसकी वैल्यू निकली है 54 mm। तो चलिए यहाँ से 54 mm की दूरी ले लेते हैं। 54 mm यहाँ आ रहा है। तो चलिए यहाँ से भी ले लेते हैं एक सेंटर लाइन। ले लिया। अब हम वापस लेंगे इसकी दूरी 54 mm। 54 mm यहाँ आ रहा है। ये ले लिया हमने 6 सेंटर। तो चलिए अब गोला बनाते हैं। गोला कैसे बनाएंगे? आपको इसमें दो गोले दिख रहे होंगे। ये जो बड़ा वाला गोला है अगर आप इसके टॉप व्यू में देखेंगे तो ये रिविट वाले हेड का गोला है, और जो आपको ये हिडन लाइन से दिख रहा है इसके डायमीटर का गोला है। तो सबसे पहले हम इसका बड़ा वाला गोला बनाएंगे जिसकी वैल्यू 1.60 है। आप देख सकते हैं कि 1.60 की वैल्यू आई है 28 mm, मतलब हमको प्रकार 14 mm को खुलना होगा। ये सारे बड़े गोले बना लिए हमने। तो चलिए अभी हम छोटे गोले बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये हिडन लाइन से बने हुए हैं। अब ये हिडन लाइन से किस लिए बने हैं तो आप देख सकते हैं, अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो आप पाएंगे कि रिविट का सैंक का डायमीटर हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। ये सारे गोले बना लिए हमने। तो चलिए अब हम इस बाकी सबको फ्री हैंड बना लेते हैं।
इसकी दूरी 1.5D होती है, तो हम यहाँ से इसको फ्री एंडी बना लेंगे। इसको यहाँ तक ही लेके जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर यहीं तक गया है। इसको भी यहीं तक लेके जाएंगे। अब आपको यहाँ ऊपर दो पॉइंट दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। पहला वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, पहले लाइन खींच ली हमने, ये दूसरी लाइन भी खींच ली हमने, ऐसे हम यहाँ से भी खींचेंगे। ये पहले लाइन खींच ली, दूसरी लाइन भी खींच ली। जैसे हमने यहाँ से ऊपर से 1.5D छोड़ा है मार्जिन, ऐसे हम यहाँ से भी नीचे छोड़ेंगे 1.5D, जिसकी वैल्यू निकली है यहाँ पे 27 mm। 27 mm यहाँ आ रहा है, ये बना लिया हमने। अब ये जो बड़ी प्लेट आपको दिख रही है ये वाली, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने से पहले आप देखना, ये जो आपको बीच में प्लेट दिख रही है ये वाली प्लेट, ये बनानी ज़रूरी है। टॉप से देखेंगे तो ये हमको दिखेगी नहीं, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से दिखाएंगे। यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, ताकि पता चले ये पार्ट अलग है। अब हम यहाँ हिडन लाइन खींच लेंगे, ये बीच में हिडन लाइन खींच ली हमने। अब हम ये दो पार्ट भी बना लेंगे, ये जो बाहर का बॉर्डर दिख रहा है इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का। इसको बनाते समय दोस्तों ध्यान देना, ये वाली प्लेट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मतलब इससे आगे नहीं लेके जाना है हमको। ये वाली प्लेट बना ली हमने, चलिए अब हम दूसरी प्लेट बना लेते हैं। इस प्लेट को भी हम थोड़ा छोटा या बड़ा कर देंगे, ताकि ये पता चल सके कि ये प्लेट अलग है। इसको भी हम यहीं तक लेके जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ताकि पता चले ये वाली प्लेट अलग है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें कुछ डायमेंशन शो कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ कुछ डायमेंशन शो कर दिया है। मैंने यहाँ टॉप व्यू, यहाँ फ्रंट व्यू लिख दिया है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कटिंग प्लेन लाइन है। अगर कोई भी चीज़ काट के दिखाई जाती है तो ये लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी होती है। अगर ये लाइन आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन यही कम्प्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई और डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।